फर्स्ट तो मैं स्टडी वगैरह कर रही थी उस टाइम. मेरे पास एक शोज आया जो कि कॉलेज पे ही हुआ था, तो उस पे मैं विनर हुई. तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आगे भी कुछ कर सकती हूँ. फिर आगे मैंने मेरे पास सामने से कॉल आई लखनऊ के लिए, जो कि मैंने लखनऊ पे मिस लखनऊ रह चुकी 2011 पे. और उसके बाद गोवा, बैंगलोर और दिल्ली काफ़ी शोज़ किए. उसके बाद बॉम्बे आना हुआ. पहले तो मैं जब बॉम्बे आई थी तो सिर्फ रैम्प शोज़ वगैरह ही करती थी. बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं, तुम शोज़ तो कर रही हो बट उसके अलावा तुम एक्टिंग पे थोड़ी ट्राई करो. तो मैंने एक्टिंग पे ट्राई किया और यहाँ पे आके काफ़ी स्ट्रगल भी किया. फिर उसके बाद मुझे एक मूवी मिली जो कि नाम है लव के फंडे. और इस पे मेरा जो मतलब कैरेक्टर है वो काफ़ी बोल्ड है बट अच्छा है. वो यहाँ तक आने में मेरी पूरा सपोर्ट कर रही, मेरी पूरी फैमिली. तो अगर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती. तो फर्स्ट तो मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलूँगी जो कि यहाँ तक आने के लिए मेरा सारा सपोर्ट किया. और उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आके बनी. और मतलब मुझे आगे जो भी बोले कि नहीं तुम ऐसा ट्राई करो, तुम ऐसा कर सकती हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, वो सब उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी. इस मूवी पे मेरा कैरेक्टर भी है जो कि नॉर्मल, मतलब मैं एक मॉडल होती हूँ जो कि काफ़ी बोल्ड होती है, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब अपने में मस्त रहती हूँ. तो अच्छी है, आप लोग देखेंगे आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बोल्ड सीन और मतलब वो जो मूवी है वो सारी लव स्टोरी है. मतलब इस टाइम जो कि लोगों की मैंटेलिटी होती है, मतलब जो मेरे एज ग्रुप के हैं उन लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, नहीं ऐसा ये वो, मतलब फुल फनी टाइप से लव भी होता है बट फनी मूड पे सब मस्त रहते हैं अपने. और मैं तो एक गोवा की और गोवा की नॉर्मल लड़की फुल बिंदास होती है, तो वो कैरेक्टर मेरा है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है. और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और शायद इससे ज़्यादा कर सकती हूँ. नेक्स्ट मूवी पे मैं चाहूँगी कि और भी अच्छा करूँ, नया बिल्कुल नया बहुत कुछ करना है. हर साल एक नहीं 1000 मूवी करनी है और अलग अलग कैरेक्टर पे करना है. और जो कि मतलब हर हर कैरेक्टर थोड़ी सी अलग हो, थोड़ा सा चेंज चाहिए. सेम सेम नहीं, बहुत स्ट्रगल की है यहाँ तक आने के लिए और अभी भी कर रही हूँ. और अब तो करती हूँ तो साथ में मेरे पास काम भी आ रहा है, मतलब अच्छा वर्क कर रही हूँ. और आगे भी मतलब क्योंकि घर पे बैठने से किसी को भी ना तो काम मिला और ना ही मिलता है, तो स्ट्रगल मुझे करना है और जितना किया उससे भी ज़्यादा करना है और काफ़ी अच्छा काम करना है जिससे आप लोग मुझे पहचाने, आप लोग देखें और सबका आइडल. जैसे मैं अभी बोलती हूँ कि नहीं मेरा प्रियंका है, मेरी जो भी दीपिका है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सबके लफ्जों पर मेरा ही नाम हो.